नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। हम अभी मौजूद हैं गोढ़ी के सिंहवाहिनी तालाब में। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि आज से ठीक दो दिन बाद, हालांकि आज से ही छठ पर्व यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन आज से दो दिन बाद अर्घ दिया जाएगा। ये एक आस्था का पर्व है, एक महान आस्था का पर्व है। लोग इस पर्व के लिए 10 दिन पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं। आदमी जो है वहाँ खरीदारी करते हैं, बहुत तरह तरह के सामान खरीदते हैं, घर की सफाई में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि ये जो छठ मैया है वो काफ़ी साफ सफाई पसंद है और इस साफ सफाई को लेकर खासा ध्यान रखा जाता है। और सबसे जो मुख्य बात हम जिस बारे में आज यहाँ बात करने आए हैं वो है कि जहाँ पर ये छठ होता है, जिस घाट पर हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि घाट की स्थिति क्या है और यहाँ के जल की स्थिति क्या है। हमारे बहनें जो व्रती होंगी इस जल में नीचे उतरेंगी सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, और इस जल की स्थिति देख पा रहे हैं कि आप ये पूरी तरह से पूरा ये जल जो है सड़ चुका है, हरा हो चुका है, कीड़े दौड़ रहे हैं इस वक्त। इस जल की स्थिति बहुत ही खराब है। अमूमन ये स्थिति सिर्फ इस पोखर की नहीं है, इस तालाब की नहीं है, अमूमन जितने भी तालाब हैं हमारे इस शहर में, इस जिले में, सबकी स्थिति यही है। हालांकि जिला प्रशासन ने एक पहल की, खुद SP साहब ने सफाई का बीड़ा उठाया और मुलस टैंक से सफाई अभियान प्रारंभ तो किया। वो 2-3 तालाब घूमे और साथ में सभी नगर के सभी जितने भी जिले में जितने भी थाना हैं, सभी थाना अध्यक्षों को ये निर्देश भी दिया कि अपने अपने इलाके के छठ घाटों की सफाई और साथ ही साथ इस छठ पर्व को लेकर सतर्क रहें, और कम से कम प्रत्येक घाटों पर जो है चाय और बिस्किट का इंतजाम भी करने को निर्देश SP साहब ने दिया है। वो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जितने भी घाट आप देखेंगे, स्थिति आप ऊपर ऊपर साफ सफाई हर बार की जाती है नगर परिषद के द्वारा, नगर परिषद का पूरा सहयोग होता है, छठ घाट पूजा कमेटी का सहयोग होता है, ऊपर ऊपर ताबड़तोड़ सफाई आपको आप देख पा रहे होंगे कि अभी काम हो रहा है, लाइटिंग्स लग रही हैं, चारों तरफ सजाया जाता है, बत्तियों से, चाइनीज झालरों से पूरे घाट को चकाचक कर दिया जाता है। लेकिन जो मुख्य बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जल की स्थिति है ये कई वर्षों से ऐसी ही बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तालाब में जल आने का तो स्रोत जगह है, लेकिन निकासी का कोई स्रोत कहीं भी तालाब में नहीं है, खासकर इस गोढ़ी तालाब की सबसे बड़ी समस्या है। तो प्रशासन को, यहाँ के शासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के लोगों को इस विषय में सोचना होगा कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ताकि जो है ये जो छठ ही आस्था का पर्व है, साफ सफाई माहौल में और एक निर्मल जल की व्यवस्था इस तालाब की के लिए, व्रतियों के लिए हो सके, ताकि ये पर्व जो आस्था का पर्व है लोग जो है पूरी श्रद्धा के साथ मना सकें। छठ माता जो पर्व है उसको बहुत बेहतर तरीके से, ताकि छठ व्रतियों को कोई कठिनाई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए पूरी गोड्डा पुलिस करीब हर एक छठ घाट पर, अभी आप देख रहे हैं कि मुलस का जो घाट है, हमारे पूरे गोड्डा के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, ऑफिसर हैं, सभी यहाँ ने अपना श्रमदान दिया है। छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने जो आपके जो क्षेत्र में जो छठ घाट है उसकी भी सफाई करें। तो ये पूरे ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जहाँ भी कोई गंदगी है उसको साफ सफाई की जाए, ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा छठ के दिन हम लोग सभी थाना प्रभारी को डायरेक्शन दिया है कि वहाँ पे अपने स्टॉल लगाएं और वहाँ पे चाय पानी का जो व्यवस्था हो सकता है उसको आप करें। इसके अलावा जो महिला जो छठकर्मी होंगे उनके लिए एनक्लोजर बनाया जाए, ताकि जो भी महिला कर्मी आती है जब अपना जब वो स्नान करती है उसके बाद अपने कपड़े जब बदलती है तो उनको किसी तरह का दिक्कत न हो, इसके लिए एनक्लोजर बनाने का भी हम लोग प्रावधान रखते हैं। तो इस तरह से छठ का जो पर्व है बेहतर तरीके से और उल्लासपूर्वक मने, इसके लिए हम लोग गोड्डा पुलिस तैयारी कर रहे हैं।